गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 टेक्स्ट बुक में कंप्लीट किया था। सो आज हम चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे ईवीएस की वर्क बुक में। सो ओपन पेज नंबर 4545 इन योर ईवीएस वर्क बुक चैप्टर नंबर 11 एंड नेम इज अवर व्हीकल्स। मतलब कि जो व्हीकल्स हम यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। Different types of transport are required to go from one place to another. कि इसका मतलब ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, मतलब कि अलग अलग व्हीकल्स यूज़ करते हैं। Three modes of transport are prevalent. For example, land transport. तो इसमें जो ट्रांसपोर्ट है, व्हीकल्स जो है, वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो कौन कौन से थ्री टाइप के होते हैं? फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब कि ज़मीन पे चलने वाले व्हीकल्स जो रोड पे चलते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेन, बसेस, कार एक्सेट्रा। तो जो बस, ट्रेन, कार, साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइसिकल, टेम्पो, ट्रक, जीप, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, ये सब जो है वो कौन से ट्रांसपोर्ट में काउंट होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये सारे व्हीकल्स किस पे चलते हैं? लैंड पे। लैंड मतलब कि ज़मीन पे चलते हैं। बी एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब हवा में चलने वाले व्हीकल्स। सो हवा में तो दो ही व्हीकल्स चलती हैं, फर्स्ट है एरोप्लेन और सेकेंड है हेलीकॉप्टर्स। तो एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर्स एयर ट्रांसपोर्ट में काउंट होते हैं। सी वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब पानी पे चलने वाले व्हीकल्स। तो पानी पे कौन कौन चलता है? शिप, बोट, स्टीमर्स एक्सेट्रा। तो पानी में जो चलते हैं वो ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर में चलते हैं उसको एयर ट्रांसपोर्ट और ज़मीन पे चलते हैं उसको लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सम एनिमल्स टू हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टेशन। फिर कोई एनिमल्स भी है कोई कोई जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉर्स, बुलॉक, कैमल, यार्क, ये सब जो एनिमल है वो भी हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। दे आर ऑक्शन, कैमल्स, मुल्स, डोंकीज एंड हॉर्सेस। तो इतने एनिमल्स है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं। ऑक्शन जो है वो माउंटेन वाले एरिया होते हैं, वहाँ पे यूज होते हैं चढ़ाई में, मतलब कि नीचे से ऊपर माउंटेन चढ़ना होता है तो ऑक्शन हेल्प करते हैं। कैमल्स भी आपने देखा होगा कि कैमल्स के साथ कार्ट जॉइंट किया होता है, फिर उसकी हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मूल्स भी जो है उसकी हेल्प से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। डोंकीज और हॉर्सेस की हेल्प से भी जा सकते हैं। द फास्टेस्ट एंड कॉस्टलियर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एरोप्लेन। तो फास्टेस्ट मतलब स्पीड में, एक जगह से दूसरी जगह सबसे ज़्यादा फास्ट, सबसे स्पीड में कौन पहुंचाता है? एरोप्लेन। बट एरोप्लेन जितना जल्दी पहुंचाता है उतना ही महंगा भी है। तो एरोप्लेन में ट्रैवल करना जल्दी तो पहुंचा देता है बट उतना महंगा भी है। कॉस्टलीएस्ट मतलब महंगा। द थ्री मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर फ्यूल लाइक डीजल, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी एंड सीएनजी। तो ये जो सारे व्हीकल्स है जो रोड पे चलते हैं या हवा में चलते हैं या पानी में चलते हैं, उसको किसी की तो ज़रूरत होगी जिसकी हेल्प से वो चलते हैं। तो उसका जो फ्यूल है, फ्यूल मतलब कि ईंधन जो उसकी मशीन काम करने के लिए चाहिए। तो कौन कौन सा है? डीजल है, पेट्रोल है, फिर कोई कोई व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी से भी चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर से भी चलते हैं, और कोई कोई जो है वो सीएनजी गैस आती है उससे चलते हैं। तो जब हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो हमारे मम्मी या पापा के साथ जाते हैं तो मम्मी या पापा टू व्हीलर है तो उसमें पेट्रोल डलवाते हैं, फिर कार में जाते हैं तो डीजल डलवाते होंगे, और कोई कोई व्हीकल्स में सीएनजी भी डलवाते हैं जिससे वो व्हीकल्स एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ने में जल्दी पहुंचा दे। सम स्पेशल व्हीकल्स आर देयर फॉर स्पेशल एंड इमरजेंसी पर्पजेज। फिर कोई व्हीकल्स ऐसे भी होते हैं जो
स्पेशल होते हैं। स्पेशल मतलब कि कुछ हुआ है तो हम उसको ही बुलाते हैं, और वो इमरजेंसी में आते भी हैं कि वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं एक्सीडेंट हुआ है और किसी की बॉडी से बहुत ब्लड निकल रहा है तो हम एम्बुलेंस को कॉल करते थे, एम्बुलेंस फटाफट आ जाती है कि नहीं। फिर कहीं पर फायर हुई है, आग लगी है और हमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया तो फायर ब्रिगेड भी आ जाती है। तो वो जो व्हीकल है उसको बोलते हैं स्पेशल व्हीकल्स। नाउ क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट हैव यू एवर ट्रैवल इन अ ट्रेन, व्हेन डिड यू गो। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि क्या आपने कभी ट्रेन में ट्रैवल किया है, ट्रेन के अंदर बैठे हो, और किया है तो आप कब गए हो, ये लिखना है। सो इसका आंसर मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रही हूँ, आपने जब ट्रैवल किया है वो अगर ट्रेन में बैठे हो तो यस लिखना है, नहीं बैठे हो तो नो लिखना है। ओके सो यस, हाँ मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया है, और कब किया है, सो इन लास्ट समर वेकेशन में मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया है। नाउ 46, डू यू लाइक ट्रेन जर्नी, नेम द प्लेसेस यू हैड ट्रैवल बाय ट्रेन। तो आपको ट्रेन में ट्रैवल करना मतलब कि ट्रेन में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पसंद है, और आप एक कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी जगह ट्रेन में ट्रैवल किया है वो लिखना है। सो यस आई लाइक ट्रेन जर्नी, हाँ मुझे ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और मैंने ट्रेन में ट्रैवल किया है सूरत से दिल्ली तक। तो मैं लिखूंगी आई ट्रैवल्ड फ्रॉम सूरत टू दी दिल्ली, मैंने ट्रेन में सूरत से दिल्ली तक ट्रैवल किया है। अगर किया है तो आपको ये सब लिखना है, नहीं किया है तो सिंपली एन ओ नो लिख देना है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टू लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे व्हीकल्स के नाम दिए हैं, देखो इसमें से हमें लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स अलग करने हैं, कि जो रोड पे चलते हैं उसको लैंड ट्रांसपोर्ट में लिखना है, पानी के ऊपर चलते हैं उसको वाटर ट्रांसपोर्ट में लिखना है, और हवा में चलते हैं उसको एयर ट्रांसपोर्ट में लिखना है। ओके सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, वैन मतलब कि जो स्कूल वैन आती है ना वैसी वाली वैन। तो वैन कहाँ चलती है, ऑब्वियसली रोड पे, तो कहाँ पे लिखेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट में। मेटाडोर, मेटाडोर मतलब कि जो छोटे टेम्पो आते हैं ना उसको बोलते हैं मेटाडोर। तो टेम्पो भी कहाँ चलता है, रोड पे, सो लिखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट में। नाउ बसेस, तो ऑब्वियसली बसेस भी कहाँ चलती है, रोड पे ही चलती है ना, सो लिखेंगे बसेस। स्टीमर्स, तो स्टीमर्स तो पानी के ऊपर चलती है ना, तो स्टीमर्स को किस में लिखेंगे, वाटर ट्रांसपोर्ट में। बोट, तो बोट भी पानी के ऊपर चलती है तो वाटर ट्रांसपोर्ट में। फिर लोरीज, लोरीज जो ट्रक होता है तो उसमें पीछे का जो एरिया होता है जिसमें हम सामान भर के लेके जाते हैं ना, तो वो भी किसके साथ चलता है, ट्रक के साथ जॉइंट होके चलता है या ट्रैक्टर के साथ जॉइंट होके चलता है, तो वो भी किसके ऊपर चलता है, लैंड के ऊपर चलता है, सो लैंड ट्रांसपोर्ट में। जीप, तो जीप भी लैंड रोड पे ही चलती है। शिप, तो शिप कहाँ चलती है, पानी में, सो वाटर ट्रांसपोर्ट। यॉट, सो यॉट जो है वो भी शिप जैसी ही होती है बट उससे साइज में थोड़ी बड़ी होती है, तो वो भी पानी पे ही चलती है। राफ्ट,
राफ्ट मतलब कि जब हम माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो वाटरफॉल होते हैं उसमें राफ्टिंग आता है, तो वो राफ्टिंग के लिए ऐसी सर्कल शेप वाली ट्यूब जैसी बोट होती है, तो ये ट्यूब जैसी जो बोट होती है उसको बोलते हैं राफ्ट। तो वो भी किस पे चलती है? पानी के ऊपर। नाउ ट्रैक्टर, तो सबको पता ही होगा ट्रैक्टर कहाँ चलते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब कि रोड पे चलते हैं ना। फिर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट मतलब कि जो आर्मी में होते हैं, आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तो उसमें एयरफोर्स में जो होते हैं उसको स्पेशली ऐसे एरोप्लेन प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ऑपोजिट जो सामने वाले दुश्मन है उसको अगर किसी कहीं पे फाइट हुई है तो एयरक्राफ्ट की मदद से वो उसको ट्रैक कर सके या उस पर ध्यान रख सके। तो एयरक्राफ्ट जो है वो किस में आएगा? एयर ट्रांसपोर्ट में, क्योंकि वो कहाँ पे चलते हैं? हवा में। एरोप्लेन भी कहाँ चलेंगे? हवा में। फेरीज, सो फेरीज जो है वो जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये सब बेचते हैं ना, तो वो भी छोटी छोटी जो फोर व्हील वाली जो कार्ट होती है उसको बोलते हैं फेरीज। तो लिखेंगे लैंड ट्रांसपोर्ट में। मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल तो ऑब्वियसली जो बाइक होती है उसको क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल। सो लिखेंगे मोटरसाइकिल्स। टांगा, सो टांगा जो है जो हॉर्स के पीछे कार्ट जॉइंट करते हैं फिर उसको रिक्शा के जैसे यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं टांगा। जो रोड पे ही चलता है तो बाजू में कॉमा करके लिख देंगे टांगा। फिर ट्रॉली, ट्रॉली जो है जो फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचते हैं जिसको हम हाथ लारी बोलते हैं, सो उसको हम ट्रॉली भी बोल सकते हैं। फिर आप मॉल में जाते हो मम्मी या पापा के साथ शॉपिंग करने, तो अगर हमें बहुत सारा सामान लेना है तो हम डोर से ट्रॉली लेते हैं कि नहीं, जिसको हम धक्का देते हैं तो वो हमारे साथ हमारे आगे आगे चलती है। तो वो ट्रॉली भी किसके ऊपर चलती है? रोड के ऊपर या ज़मीन के ऊपर चलती है ना। सो लिखेंगे ट्रॉलीज। ब्लॉक कार्ट, तो ब्लॉक कार्ट की पिक्चर देखो ये रही, तो ब्लॉक कार्ट भी कहाँ चलता है? ज़मीन के ऊपर। तो लिखेंगे यहाँ पे साइड में ब्लॉक कार्ट। बाइसिकल, तो ये रही बाइसिकल जिसको हम शॉर्ट में साइकिल बोलते हैं, तो वो भी ज़मीन पे चलती है। ट्रेन, तो ट्रेन भी ज़मीन पे ही चलती है, सो ट्रेन्स। मेट्रो रेल, मेट्रो रेल जो है वो सबसे फास्ट चलती है और वो भी ज़मीन पे ही चलती है। सो लिखेंगे मेट्रो रेल। हेलीकॉप्टर, सो हेलीकॉप्टर तो हवा में चलता है, सो लिखेंगे हेलीकॉप्टर। फिर है सबमरीन, तो सबमरीन जो है वो नॉर्मली जो सोल्जर्स होते हैं जो नेवी सोल्जर होते हैं मतलब कि जो पानी के अंदर बोट होती है उसके अंदर रह के हमारा प्रोटेक्शन करते हैं, या फिर पानी के अंदर जो एकदम पानी के एकदम नीचे जाके जो बोट रहती है उसको बोलते हैं सबमरीन। तो उसके अंदर भी सोल्जर्स रहते हैं, तो सबमरीन कौन सा ट्रांसपोर्ट हुआ? वाटर ट्रांसपोर्ट। ये भी एक टाइप की बोट ही है बट पूरी कवर होती है और इसके अंदर इंसान रह भी सकते हैं। फिर कोई ची अगर कोई इंसान है जिसको पानी के एकदम नीचे तक जाना है तो वो किस में बैठ के जाता है? सबमरीन में बैठ के जाता है। ओके, फिर ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा तो आप सबने देखी ही होगी, तो इसका नाम लिख देते हैं यहाँ पे साइड में ऑटो रिक्शा। तो हो गया ये डिफरेंशिएशन। नाउ नेक्स्ट
हैव यू ट्रैवल टू अ विलेज, क्या आपने कभी आपके गांव में ट्रैवल किया है? व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज इन विलेज, तो आपने गांव में कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन में बैठ के, मतलब कि कौन कौन से व्हीकल में बैठ के ट्रैवल किया है, उसका नाम लिखना है। तो देखो, विलेज में तो ब्लॉक कट होता है ऐसा, तो लिखेंगे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, यस आई ट्रैवल्ड टू अ विलेज। हाँ, मैंने गांव में ट्रैवल किया है। हम ऑब्वियसली दिवाली वेकेशन में अपने गांव जाते हैं या नहीं, तो देखो गांव में तो ब्लॉक कट होता है, तो उसकी हेल्प से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर मेटाडोर होते हैं, मेटाडोर मतलब कि जो छोटे रिक्शा आती है उसको बोलते हैं मेटाडोर्स होते हैं। फिर ट्रेन से जा सकते हैं, फिर साइकिल से भी, तो गांव में साइकिल से भी हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं। फिर मोटरसाइकिल मतलब कि बाइक से भी जा सकते हैं, फिर बस से भी जा सकते हैं। तो इतने ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के नाम लिख दिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम व्हीकल्स, नीचे कुछ व्हीकल्स की पिक्चर दी है। इन द स्पेस प्रोवाइडेड, आपको साइड में जहाँ पे स्पेस दी है, मेंशन व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, तो ये व्हीकल्स किसके लिए यूज होती है वो हमें लिखना है। सो फर्स्ट है जीप, तो जीप ऐसी होती है, तो जीप में देखो हम जंगल सफारी कर सकते हैं। जब हमें जंगल में कोई एनिमल्स, जो जू होता है, तो जंगल के अंदर जाते हैं, उसमें पूरा जंगल घूमना है, तो हम जीप की हेल्प ले सकते हैं। तो जीप किसके लिए यूज होती है? फॉर जंगल सफारी, जंगल की सैर करने के लिए जीप यूज होती है। फिर बुलॉक कार्ट, तो बुलॉक कार्ट के अंदर देखो, अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स खेत में जाते हैं तो ब्लॉक कार्ट लेके जाते हैं, जो खेत से सामान लाना है वो ब्लॉक कार्ट में भर के लाते हैं। सो सामान भरने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ब्लॉक कार्ट। सो फॉर कैरिंग गुड्स, सामान भरने के लिए ब्लॉक कार्ट यूज़ करते हैं। नाउ बस, तो बस तो देखो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे कॉमन व्हीकल है। सो फॉर ट्रैवलिंग, बाइसिकल जिसको हम साइकिल बोलते हैं, तो देखो साइकिल से एक जगह से दूसरी जगह तो जा सकते हैं, बट अभी साइकिल जो है वो हमें एक्सरसाइज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सो इस बार नया लिखते हैं कि बाइसिकल किस लिए यूज कर सकते हैं? फॉर एक्सरसाइज, कि हमारी बॉडी के लिए जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें साइकिलिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। नाउ नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग व्हीकल्स कंसिडरिंग देयर स्पीड्स फ्रॉम द स्लोएस्ट टू द फास्टेस्ट, तो यहाँ पे देखो कुछ व्हीकल के नाम दिए हैं, तो इसको जो सबसे स्लो चलता है, सबसे स्लो चलता है उसे धीरे 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 फास्ट व्हीकल कौन चलता है, वैसे वैसे हमें इसको अरेंज करना है। तो पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम है। ऑटो रिक्शा मतलब कि रिक्शा, एरोप्लेन, प्लेन, ब्लॉक कार्ट, ये रहा ब्लॉक कार्ट, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, मोटरसाइकिल और बाइसिकल। तो देखो इसमें से सबसे स्लो जो चलता है वो है ब्लॉक कार्ट, तो सबसे पहले तो सबसे स्लो में लिखेंगे ब्लॉक कार्ट। फिर उससे थोड़ी फास्ट चलती है साइकिल, सो टू लिखेंगे बाइसिकल। फिर उससे थोड़ी स्पीड में चलती है मोटरसाइकिल और रिक्शा, तो दोनों को एक साथ तो लिख नहीं सकते, तो थ्री और फोर करके लिखते हैं। पहले तो मोटरसाइकिल, जो बाइक होती है वो, फिर फोर करके लिखेंगे ऑटो रिक्शा। ओके, फिर उससे स्पीड में चलती है ट्रेन, सो फाइव ट्रेन। फिर उससे स्पीड में चलता है एरोप्लेन, सो
एरोप्लेन, और उससे भी स्पीड में जो सबसे फास्ट चलती है वो है मेट्रो ट्रेन। जो सबसे स्पीड में चलती है वो है मेट्रो ट्रेन। तो ये सबसे स्लो चलता है, ये उससे थोड़ा फास्ट, उससे फास्ट, उससे थोड़ा फास्ट, और ये सबसे फास्ट चलने वाले व्हीकल्स हैं। नाउ 48, राइट डाउन द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स। जो व्हीकल का नाम दिया है वो क्यों यूज करते हैं वो लिखना है। ऑल्सो राइट देयर इमरजेंसी नंबर, और उसका इमरजेंसी नंबर कौन सा है ये भी लिखना है। इमरजेंसी नंबर मतलब कि हम फोन से अगर वो नंबर डायल करेंगे तो वो जो हमने नंबर डायल किया है वो उसको ही लगता है। सो फर्स्ट है एम्बुलेंस। सो एम्बुलेंस देखो, किसी को अगर कुछ लगा है तो उसको ले जाने के लिए, लाने के लिए यूज होती है। सो लिखेंगे कैरिंग पेशेंट्स। जो बीमार है या किसी को कुछ लगा है तो उसको लेके लाने, लेकर जाने के लिए, लाने के लिए एम्बुलेंस यूज होती है। पुलिस जी, तो पुलिस कब बुलाते हैं? जब कहीं पे चोरी होती है या कोई झगड़ा हो रहा है तो पुलिस आके पूछती है ना कि क्या हुआ, क्यों हुआ। सो किसके लिए यूज होती है? फॉर इंक्वायरी, की पूछताछ के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फायर ब्रिगेड, तो फायर ब्रिगेड क्यों बुलाते हैं? कि आग लगी है उसको बुझाने के लिए। सो पुटिंग ऑफ द फायर, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाते हैं। तो ये कौन किसके लिए यूज होती है, ये तो हो गया। अब उसका इमरजेंसी नंबर देखो। इमरजेंसी नंबर मत वो होता है जो सबके फोन में कॉमन होता है, कि हम वो नंबर डायल करेंगे तो एम्बुलेंस को ही कॉल जाएगा, ये नंबर डायल करेंगे तो पुलिस को ही कॉल जाएगा, ये नंबर डायल करेंगे तो फायर ब्रिगेड को ही कॉल जाएगा। सो एम्बुलेंस का जो इमरजेंसी नंबर है वो है 108। फिर पुलिस जीप का जो नंबर है वो है 100, और फायर ब्रिगेड का जो नंबर है वो है 101। तो अगर आप 108 डायल करोगे तो एम्बुलेंस आएगी, 100 डायल करोगे तो पुलिस आएगी, और 101 डायल करोगे तो फायर ब्रिगेड की जीप आएगी, मतलब कि वैन आएगी। ओके, बट कभी ट्राई करना मत। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो। तो ऑप्शन दिए है, उसकी हेल्प से हमें ये ब्लैंक फिल करनी है। सो फर्स्ट, ब्लैंक इज यूज्ड फॉर कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय द वेंडर्स। तो कौन सा व्हीकल है जो यूज़ करके जो सब्जी और फ्रूट बेचने वाले हैं, तो वो सब्जी और फ्रूट बेचते हैं, तो जिसको हम हैंड कार्ट बोलते हैं। तो हैंड कार्ट हमने कल टेक्स्ट बुक में देखा था, ना। तो देखो ये रहा, तो इसको हैंड कार्ट बोलते हैं, तो इसको ट्रॉली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉली। तो ट्रॉली की हेल्प से भी सब्जी और फ्रूट बेच सकते हैं। सो ट्रॉली। ब्लैंक इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो सबसे स्पीड में चलने वाला व्हीकल कौन सा है? एरोप्लेन। सो एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन सबसे स्पीड में चलता है। ब्लैंक इज यूज्ड फॉर कैरिंग पेशेंट। सो जो बीमार है या लगा है, ऐसा कुछ हुआ है तो उसको लेके जाने के लिए क्या यूज होता है? एम्ब्यूलेंस। सो एम्ब्यूलेंस। डी, फायरमैन यूज ब्लैंक टू पुट ऑफ फायर। सो फायरमैन जो आग बुझाने वाले हैं वो आग बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो फायर इंजन का। किसका यूज करेंगे? जो फायर ब्रिगेड वैन है उसमें फायर इंजन होता है ना पीछे, जिसमें पानी भर के लाते हैं, तो फायर इंजन का यूज करेंगे। अ ट्रेन रन्स ऑन ब्लैंक। तो ट्रेन किस पे चलती है? ट्रैक पे चलती है, जिसको हम रेलवे ट्रैक बोलते हैं। सो यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज तो सबको पता ही होगी कि बोट कैसे बनती है। सो आपको अगर ट्राई करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई कंपलसरी नहीं है। और ये वाला जो पेज है वो अभी के लिए ओमिट करना है। ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का होमवर्क है कि आपको ये एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देनी है। ओके, थैंक यू।